नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी LIC में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि हमें बैंक में और सिम कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, वैसे ही LIC में भी अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड रजिस्टर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है 31 मार्च तक। नहीं तो उसके बाद भी डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो 31 मार्च तक आपको LIC, जो भी आपकी LIC या बीमा है उसके अंदर आपको आधार कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और वो कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए, गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है LIC India.in। तो दोस्तों प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है LIC के साथ अपने आधार कार्ड और पैन को रजिस्टर्ड करना। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर लिखना है www.licindia.in। तो देखिए, मैंने ये लिख दिया और मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया तो ये पहला लिंक जो आपको दिखेगा www.licindia.in, तो आपको यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए, LIC ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पेज है, सरकारी वेबसाइट है, ये ओपन हो चुकी है। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आधार कार्ड के बिना आप 10 जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे, और LIC एक उनमें से ही एक बहुत ही ज़रूरी काम है। और बाकी के ज़रूरी कामों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखेगा, नीचे जाएंगे तो देखिए ये एक ऐड नहीं है और ये एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक आधार एंड पैन टू LIC पॉलिसी, और आप देखिए इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2018 यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो अभी इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, लेकिन हो सकता है इसको आगे भी बढ़ा दिया जाए। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे 31 मार्च तक ही रजिस्टर्ड कर लीजिए। हो सकता है आपके भाई बहन ने LIC ले रखी हो, आपके माता पिता ने ले रखी हो, आपके आंटी अंकल और आपने भी ले रखी हो। तो दोस्तों, आप सारी LIC जो भी आपकी पॉलिसी है, आप इस तरह से उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ उसे लिंक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों अपने परिवार को भी इस बारे में गाइड ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया लिंक LIC पॉलिसी पर, देखिए तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब आपको हम बता दें कि जब आप ये काम करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड आपके हाथ में होना ज़रूरी है, आपका पैन कार्ड आपके हाथ में होना ज़रूरी है, और आपका एक मोबाइल, और मोबाइल वो होना चाहिए जो आपने आधार कार्ड के वक्त दिया था, वही नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपने आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे नीचे आपको देखिए एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का, तो यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब ये एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, और नाम जो कि आधार कार्ड पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद आपको अपना फादर नेम लिखना है, और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर लिखना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, यानी कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पर। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखना है, ठीक है, पैन नंबर आपके पैन कार्ड पर लिखा होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके आधार नंबर के साथ लिंक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आएगा, और उस OTP को डालने के बाद ही यहाँ पर आपका आधार नंबर इसके साथ लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना पॉलिसी नंबर लिखना है। पॉलिसी नंबर आप जब अपने LIC के जो पेपर हैं उस पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पॉलिसी नंबर दिख जाएगा, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और ये नंबर लिखने के बाद नीचे आपको देखिए ये ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स पर चेक कर देना है। जैसे आप इसको चेक कर देंगे तो नीचे जाएंगे, आपको देखिए यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा आपको। तो यहाँ पर जो जो ये कैप्चा लिखा हुआ है, अगर छोटे अक्षर लिखा है तो छोटे अक्षर डालने हैं, और बड़े अक्षर हैं तो बड़े, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। सेम ये कैप्चा कोड आपको यहाँ ऊपर इसमें लिख देना है देख देख कर। ठीक है, अगर वो आपको ये समझ नहीं आएगा आ रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा भी मंगा सकते हैं, और उसके बाद ये गेट OTP पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करिए तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा जो आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप उस OTP नंबर को यहाँ पर डाल देंगे तो आपका जो आधार नंबर और पैन नंबर जो है वो आपकी LIC पॉलिसी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगी।
तो दोस्तों देखा, बहुत ही सिंपल तरीका है और आप 2 से 5 मिनट के अंदर ही अपने घर बैठे अपने फ़ोन पर भी अपनी LIC के साथ अपने आधार नंबर और अपने पैन नंबर को लिंक कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, तो अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने आंटी अंकल, अपने पड़ोसी सबको इस बारे में बताइए ताकि उनकी LIC बंद ना हो जाए। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने परिवार और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।